से चोरी की जानकारी मिली है। पुलिस के DIG भी आ गए हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहां पर आ गए हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला बहुत गंभीर है और हमें ऐसी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम इस घटना की क्या कुछ स्थिति है उस तक नीचे तक पहुंच जाएंगे। DIG साहब स्वयं पूरे मामले को देख रहे हैं। मामला गंभीर है और इस समय पर यही कहा जा सकता है कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए जाएंगे। सर कहीं ना कहीं लापरवाही, यहाँ पे करीब 13 छोटे बॉक्सेस, 4 बड़े बॉक्सेस चोरी होने का मामला सामने आया है, तो हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। हम पूरी अच्छी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और हम बहुत ही होपफुल हैं कि क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इंपॉर्टेंट मामला है, कि इसको जल्दी से हम ट्रैक कर करके और जो है सही निष्कर्ष तक पहुँचे। सर कहाँ से CCTV में कुछ मिला है? CCTV में नहीं प्राप्त हुई है किसी तरह की कोई फुटेज, और इस इमीडिएट विसिनिटी में है भी नहीं उसकी फैसिलिटी। लेकिन हम लोग अपने जान पे जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी कुछ नई लीड मिल जाए। अब इसके बाद जो है हम काम में लगे। इसका मुख्य हॉस्पिटल है हमीदिया हॉस्पिटल। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो 800 से ज़्यादा वहाँ चोरी चले गए। जब हमीदिया अस्पताल से ही रेमडेसिविर की चोरी हो जाएगी तो बचेगा क्या? ये पूरा प्रशासन हमीदिया का और भोपाल प्रशासन दोनों इस मामले में फेल हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इस पर काला बाजारी की बू आ रही है और इसकी पूरी जांच होना चाहिए कि आखिर ये इंजेक्शंस जो मिल नहीं रहे हैं बाज़ार में, जो पेशेंट्स जो अस्पताल मांग रहे हैं प्राइवेट उनको मिल नहीं रहे हैं, पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन हैं डॉक्टर्स के उनको नहीं मिल रहे हैं, तो आखिर ये इंजेक्शन जा कहाँ रहे हैं? इस पूरे कांड की जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि हमीदिया अस्पताल में जो आज कोरोना पेशेंट एडमिट है उनको ये इंजेक्शन नहीं लग पाएंगे। और मेरा फिर निवेदन है प्रशासन से कि जो प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने अस्पताल ने।